सुनो, बाइबल में क्या लिखा मालूम? बाइबल के वचन में देखो क्या लिखा, एक वचन निकालते हैं उसके बाद में आपको समझाता हूं। रोमियो 14:4, 14:4, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? हाँ? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी की से संबंध रखता है? हाँ? वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा। हाँ? क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हाँ? प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है, विश्वासियों पर दोष लगाता है? तू कौन है जो उनके ऊपर भी दोष लगाता है? अरे वो तो पाप में गिर गए, अरे वो तो पापी हो गए। तू कौन है? तू कौन है? उस अगर वो गिर गया है, उसका संबंध मुझसे है, तुझसे नहीं है, तुझसे नहीं है। मैं उसको उठा के खड़ा कर दूंगा और मैं उसको स्थिर भी कर दूंगा। इसका मतलब जानते क्या है? जब हम किसी का पाप देख लेते हैं ना, किसी के जीवन में जब हम गलती देख लेते हैं ना, हम दोष लगाते हैं, उसको बदनाम करते हैं। अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है, तेरे को मालूम कि वो पास्टर ऐसा है, वो विश्वासी बहन ऐसी है, वो विश्वासी भाई ऐसा है। मत लगाओ दोष। तू कौन होता है दोष लगाने वाला? अगर वो गिर भी गया है पाप में, तो खुदा क्या बोलता है मालूम है? मैं उसको उठाकर खड़ा कर सकता हूं, मैं उसको स्थिर भी कर सकता हूं। तू कौन है दोष लगा रहा है? तू क्यों पाप कर रहा है दोष लगाने का? तू क्यों पाप कर रहा है? तू क्यों पाप कर रहा है? तू मत पाप कर। तू अपने मन को क्यों कड़वाहट से भर रहा है, पाप कर रहा है? मन में कड़वाहट पाप है, बैर रखना पाप है, दोष लगाना पाप है, ये पाप है मेरे प्रियो। लेकिन सुनो, आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से, ध्यान से। बाइबल का वचन क्या कहता है? यहां पर लिखा है कि मतलब जो खुदा के जो दास है, जो सेवक है, वो भी गिर सकते हैं पाप में। सुनो एक और वचन, और उसमें ऐसा लिखा, आप सुने हो, बहुत चर्चित वचन है, इसका नहीं निकाल रहा। धर्मी जन 7 बार भी अगर गिरे, वो वापस उठकर खड़ा हो जाएगा। सुनो मेरे, हम जो प्रभु में हैं, मैं आप, हम जो प्रभु में हैं, वचन स्पष्ट कहता है कि जब तक संसार में है, हमारा गिरना उठना लगा रहेगा। अगर हम गिर गए, हम गिर गए, तुरंत पहला यूहन्ना 1:9, प्रभु मैं गिर गया पाप में, मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु तुरंत आपको क्षमा करेगा, उठो और चलो, उठो और चलो। मैं आपको बता दूं, अगर आप पाप में गिर रहे हैं, प्रभु आपको माफ करेगा, अगर आप क्षमा मांग रहे हो, बिल्कुल वो माफ करेगा आपको, और पाप का प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा, शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो पाप में बने हुए हैं, जो पाप में बने हुए वर्षों से, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 सालों से वो पाप में, उसी पाप में वो बने हुए हैं। अगर आप पाप में बने रहोगे, परमेश्वर के इतना समझाने के, देखो पाप में गिरना अलग होता है, पाप में बने रहना अलग होता है। मैंने जो ये संदेश दिया, ये गिरना जो पाप में गिरते हैं फिर उठते फिर चलते, उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो पाप में बने हुए हैं लंबे समय से, कई सालों से वो पाप में बने हुए हैं, वो पाप कर ही रहे हैं, मजा ले रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो पाप कर ही रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, वो पाप में बने हुए हैं, उनके विषय में ये संदेश। मैं आपको बता दूं, बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है, अंत तक के कोई भी मनुष्य निर्दोष नहीं ठहरेगा। यीशु मसीह के कारण ही हम निर्दोष हैं, अपने कर्मों से हम निर्दोष नहीं हो सकते। तो आपका और मेरा, हम जो उद्धार पाए हैं, हाँ हम चले, हो सकता है हम चले चले और शैतान ने, हम चल रहे हैं बढ़िया, हम चल रहे हैं, और हमने थोड़ी सी लापरवाही कर दी और शैतान ने सामने में गड्ढा खोद करके रखा था, उस गड्ढे में हम गिर गए, मतलब पाप में हम गिर गए। लेकिन जैसे ही पाप में गिरे, आपने वैसे ही बोला, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, बस इतना, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे पाप हो गया, तुरंत यीशु हाथ बढ़ाएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, उठाकर खड़ा करेगा, फिर से आप दौड़ना शुरू कर देंगे। ये गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है।